नमस्कार, आप देख रहे हैं यश टीवी। अब वक्त है यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स का। लोक निर्माण विभाग यमुनानगर में कार्यरत जूनियर इंजीनियर करनाल के धानोखेड़ी निवासी जिले सिंह काम्बोज के बेटे दिशांत काम्बोज का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर खुशी का माहौल है। दिशांत ने 8वीं तक शिक्षा संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल से प्राप्त की है। दिशांत ने 4 साल पहले NDA की परीक्षा पास की थी। उसके बाद उसने 3 साल तक पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन तथा ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जनवरी 2020 से 11 दिसंबर 2020 तक उसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 12 दिसंबर को घर पहुंचे। दिशांत की पोस्टिंग असम में हुई है। रादौर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को दामला में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी के ग्राम सचिवालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम से पूर्व ही मंच पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, शिलान्यास के पत्थर पर लाल रंग पोत कर अपना रोष जताया। किसान यही नहीं रुके, उन्होंने कार्यक्रम में लगाए गए टेंट को भी उखाड़ फेंका, साथ ही कुर्सियों को भी पलट दिया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक निजी स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली है। इससे स्कूल प्रबंधन में खलबली मच गई है। वहीं रादौर क्षेत्र के स्कूलों में सैंपलिंग तेज कर दी है। वहीं जिले में कोरोना का रिकवरी रेट 95.20% हो गया है। मंगलवार को 32 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 29 कोरोना के नए मामले मिले हैं। जिले में अब तक कुल 6,132 संक्रमित मिल चुके हैं। शहर में हरे पेड़ों की कटाई सरेआम की जा रही है, परंतु अधिकारी किसी के खिलाफ न तो कार्रवाई करते हैं और न थाने में FIR दर्ज कराते हैं। जब तक पेड़ों की कटाई बंद नहीं होगी, तब तक शहर में हरियाली नहीं बढ़ पाएगी। इसके लिए निगम अधिकारी चाहे जितने भी प्रयास क्यों न कर ले, एक तरफ निगम यह प्रस्ताव पास करती है कि 100 वर्ग गज से अधिक प्लाट का नक्शा तभी पास होगा जब उसमें एक पेड़ होगा। ये थे अब तक के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए यश टीवी। नमस्कार।